दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नियर से मिड टर्म में भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक भी बनी रहेगी। अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई रुक जाती है और विदेशी निवेशक एक बार फिर से भारत का रुख करते हैं तो सेंसेक्स 70,000 का लेवल पार कर सकता है। ये बातें ट्रेड स्मार्ट के विजय सिंघानिया ने मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में कही। हालांकि उन्होंने इस बातचीत में ये भी कहा, आने वाले विंटर सीजन में यूरोप में गैस सप्लाई बाधित होने, चाइना की संभावित मंदी, चाइना के बैंकिंग सेक्टर का अभूतपूर्व संकट बाजार की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। विजय सिंघानिया का मानना है कि भारत की मजबूत ग्रोथ और ग्लोबल स्थितियों में अनिश्चितता को देखते हुए हमें निवेशक के लिए ऐसे सेक्टरों पर फोकस करना चाहिए जो खपत और खासकर घरेलू खपत से जुड़े हैं। ये सेक्टर इस समय निवेश का सबसे बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं। खपत से जुड़े अधिकांश कंपनियों का कर्ज लेवल बहुत कम है और इनका कैश फ्लो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिससे खपत से जुड़ी कंपनियां अनिश्चितता भरे माहौल में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और चीन की मंदी भारत की कुछ सेक्टर में निवेश के अच्छे मौके दे रही है। इसमें खपत वाले सेक्टर के अलावा रियल्टी, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, होटल जैसे सेक्टर शामिल है। हमें इन सेक्टर के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि मंदी का आईटी सेक्टर पर असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे में इस सेक्टर को भी रडार पर रखना चाहिए। भारत की इकोनॉमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक है और ये आगे भी बनी रहेगी। भारत के मजबूत विकास में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े सेक्टर केमिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।